हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से कास्टर रोहन की यूट्यूब चैनल पर। एंड आज हम लोग देखने वाले हैं वैम्पायर के गेम प्ले को। जी हाँ, गेम प्ले ही देखने वाले हैं। लेकिन यार, ये गेम प्ले वो गेम प्ले की तरह नहीं होने वाला जिसके अंदर आप ओपोनेंट से अपने गेम को जीतने के लिए गेम प्ले करते हो। ये गेम प्ले ऐसा होने वाला है कि मैं बस आपको वैम्पायर रोल का फुल्ली एक्सप्लेन वीडियो ला पाऊंगा, एंड ऐसा ताकि आपके सारे के सारे डाउट्स जो कि वैम्पायर रोल के ऊपर है वो क्लियर कर सकूं। तो चलिए फिर बिना कोई टाइम बर्बाद किए वीडियो को करते हैं शुरू एंड बताते हैं वैम्पायर रोल के बारे में। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहूंगा कि वैम्पायर एक इम्पोस्टर रोल होने वाला है, और ये रोल आने का टाइमिंग जो है वो जनवरी से फरवरी के बीच पर ही रहेगा। फिलहाल ये तो सुपरसेस की तरफ से कंफर्म्ड हमको पता नहीं है। रोल आने के बाद भी कभी कभार जो ग्लिचेस है वो आपको नजर आ जाते हैं। लेकिन यार, मैं एक बात आपको जरूर बताना चाहूंगा कि ये वैम्पायर मुझे लगता है कि जनवरी से फरवरी तक गेम के अंदर जरूर आ जाएगा। फिलहाल आइए चलिए देख लेते हैं इसके एबिलिटीज क्या है, और बाद में मैं आपको गेम प्ले के रूप पर ये एबिलिटीज दिखाने वाला हूँ। ओके, सो इसका सबसे पहला एबिलिटी यही है, ये किल करने के बाद इसका जो किल कूलडाउन है वो कम होता चला जाएगा। क्या इसका मतलब यही है कि ये बाउंटी की तरह किल बार बार कर सकता है विद इन जस्ट सम 3 सेकंड्स? उसका आंसर आपको आगे वीडियो के अंदर पता लगेगा। फिलहाल उसके बाद लिखा हुआ है इसका दूसरा और आखिरी एबिलिटी, ये लर्न कर सकता है एबिलिटीज को दूसरे कैरेक्टर्स की, मतलब कि दूसरे रोल्स जो भी वो किल करेगा उसका एबिलिटी इसके पास आ जाएगा। जैसे कि डॉक्टर को मारने के बाद रिवाइवल पावर आ जाएगा वैम्पायर के पास। इसका मतलब शरीफ जब दूसरे इम्पोस्टर को किल करेगा तब वैम्पायर खुद जाकर उसको रिवाइव कर सकता है। अगर ये एबिलिटी गेम के अंदर आ गया तो क्या लगता है आपको, वैम्पायर ओवरपावर्ड हो जाएगा? ये बात आप कमेंट डाउन करके भी बता सकते हो दोस्तों। तो फिर और क्या, चलते हैं गेम प्ले के ऊपर और देखते हैं गेम प्ले को कि कैसा रहने वाला है पूरा का पूरा वैम्पायर का सिनेरियो। ओके, तो सबसे पहले मैं क्लियर कर देना चाहूंगा, यहाँ पर टोटल 4 ही रोल्स है जिसके ऊपर अपन टेस्ट कर सकते हैं कि भाई सबसे पहला रोल स्वैपर की, वो मारने के बाद स्वैपर को क्या वो स्वैप कर सकते हैं अपने वोट्स किसी और पे। उसके साथ आपको डॉक्टर देखने के लिए बस जाता है ताकि देख पाऊं कि मैं वो रिवाइवल किस तरीके से कंप्लीट करेगा, एंड उसके साथ ही साथ शेरिफ का रोल भी ताकि देख पाऊं कि वो जब कोई स्पेस क्रू को किल करता है तब क्या एबिलिटी के साथ साथ स्पेस क्रू का फैक्शन भी उसमें काम करता है कि नहीं, जिससे शेरिफ उसे किल नहीं कर पाएगा। फिलहाल इन क्वेश्चंस के आंसर्स को चलिए जान लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ओके, सबसे पहले बात ये नोटिस करने वाली है कि भाई मैं आ चुका हूँ कैफेटेरिया के अंदर, एंड कैफेटेरिया का हालत कुछ ऐसा है जो कि शायद आपने गेस कर ही लिया होगा। जी हाँ, एकदम से मतलब हेलोवीन थीम जो कि अपने सुपरसस के अंदर भी है, और उसके साथ साथ एक भूत जो कि आपके पीछे भागता ही रहता है। और फिलहाल उसके बाद मैं किल करने जा रहा हूँ सबसे पहले तो डॉक्टर को, ताकि उसका रोल मैं चुरा पाऊँ। एंड देयर वी गो, डॉक्टर को किल करते ही आप देख सकते हो जैसे कि उसके रोल के साथ साथ उसका एबिलिटीज भी हमारे सामने पहुंच चुका है। इसका मतलब यही है कि मैं उसे रिवाइव कर सकता हूँ। लेकिन देखने वाली बात यह है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही बार रिवाइव वाला एबिलिटी यूज कर सकता हूँ। मतलब जितने बार जितने रोल्स को मैं मारने वाला हूँ उतने बार उतने रोल्स के एबिलिटीज मुझे मिलते जाएंगे। इसका मतलब यही है कि डॉक्टर को अगर मैं एक बार मारता हूँ तो रिवाइव वाला एबिलिटी मुझे एक बार यूज करने मिलेगा, और अगर दो बार मारता हूँ तो दो बार मुझे वो रिवाइव वाला एबिलिटी यूज करने मिल जाएगा, जो कि काफी ज्यादा बेहतरीन है। लेकिन अब बढ़ते हैं वैम्पायर के दूसरे एबिलिटी पर जो कि है किल काउंटडाउन को लेकर। क्या डॉक्टर को मारने के बाद जो मेरा किल काउंटडाउन था वो स्वैपर को मारने के बाद भी होने वाला है? चलिए चेकआउट करते हैं। फिलहाल इसका जवाब नहीं रहेगा, बिकॉज थोड़ा सा तो कम हुआ है, 5 सेकंड का गैप जो कि आपको देखने के लिए मिल जाता है। जब मैंने डॉक्टर को मारा था मेरा कूल काउंटडाउन था 30 सेकंड का, एंड अब मेरे पास 25 सेकंड का कूल काउंटडाउन जो कि देखने के लिए मिला। फिलहाल ये तो रहा काफी ज्यादा शानदार बात, लेकिन उसके बाद हम सबसे बेहतरीन क्वेश्चन का जवाब करने वाले हैं कि स्वैपर को मारने के बाद क्या हम वोट्स स्वैप कर सकते हैं या फिर नहीं। और इसका जवाब आपके आंखों के सामने ऑलरेडी हाजिर है, वोट्स हम बिल्कुल भी स्वैप कर नहीं सकते। मतलब कि भाई स्वैपर को मारने से आपको कोई फायदा ही नहीं मिलेगा, और शायद व्हाइट जैक के साथ भी सेम सिनेरियो रहने वाला है। बाकी अगर आपको देखना है कि व्हाइट जैक के साथ भी सिमिलर सिनेरियोस रहता है कि नहीं तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना ना भूलना। और मैं अभी मिलता हूँ आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को एक बढ़िया सा गुड बाय।